तो बटलर आया, उसने कहा भाई ये हॉब्स और हेल्बेशियस का सिद्धांत भी ठीक नहीं है, केवल परार्थ परोपकार करना ये सिद्धांत होना चाहिए। देखो शेर शरी का हिंसक जंतु अपने बच्चे का पालन करता है, भूखा मर जाएगा बच्चे को नहीं खाएगा। हाँ पैदा होते ही शेरनी और शेर बच्चे को चाट चाट के उसकी गंदगी साफ कर देते हैं। बेंथावे मिल ये फिलॉसफर आए, इन्होंने कहा भाई परोपकार ही ये गलत है, भला कोई व्यक्ति परोपकार ही करेगा अपने स्वार्थ को भूल जाएगा, अननेचुरल इम्पॉसिबल ये नहीं चलेगा। फिर बहुमत का सिद्धांत, जिसको अधिक लोग माने बस वो सिद्धांत आनंद देने वाला होगा। फिर मीटिंग हुई फिलॉसफरों की, उन्होंने कहा भाई ये बहुमत वाला सिद्धांत तो गलत है। क्यों? अरे अधिक लोग तो संसार में मूर्ख होंगे, संसार में बुद्धिमान कितने लोग हैं? ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहलाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान 10-20 होते हैं किसी देश में, वो संविधान बनाते हैं कानून, फिर उसको आगे चल करके बुद्धिमान लोग काटते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं। कितने करेक्शन हो चुके संविधान में अपने ही देश में। फिर सब बुद्धिमान होंगे किसी देश में, ये तो मानने की बात तो है ही नहीं। पॉलिटिक्स शब्द कोई नहीं जानते अधिक लोग तो हर देश में, अरे कोई अपना कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, राजनीति में कितने लोग हैं? तो आप कहते हैं बहुमत, 1 करोड़ भी अगर गाय भैंस गधे इकट्ठा कर लो तो 1 आदमी के बराबर होंगे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान तो बहुत कम लोग संसार में होते हैं किसी भी देश में, और आप जो बहुमत होगा वो कानून बना देंगे, तो फिर वो सही कैसे होगा? ये भी ठीक नहीं। फिर आए आधिभौतिकवादी, इन्होंने कहा भाई मैं बताऊं क्या, एक होती है भीतर की कॉन्शियस, अंदर की आवाज सबके अंदर होती है। पहले पहल जब कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, तो अंदर से आवाज आती है ये गलत है। हाँ गलत है, ठीक है, लेकिन भूख लगी है इसलिए करेंगे, ये सामान चाहिए इसलिए करेंगे। हाँ लेकिन ये कॉन्शियस जो है पहली बार जो होती है जोरदार होती है, रोकती है, ये पाप है गलत है, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, पांचवी बार कॉमन। देखो ये मर्डर करने के जो पेशे वाले हैं
रुपया दे के मर्डर करते हैं, रुपया लाओ अभी मर्डर कर दे। इन्हें कोई धक धक नहीं होता अंदर से, अभ्यास पड़ गया, हैबिट, हैबिट कहते हैं। बार बार झूठ बोलते हैं ना हम लोग, तो आदत पड़ गई। बार बार एक दूसरे की सौगंध खाते हैं, तेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, राम कसम, आदत पड़ गई, बोलता रहता है ऐसे दिन भर। कोई फीलिंग नहीं उसको भीतर से कि ये क्या मतलब होता है इसका। तो कॉन्शियंस बदलती रहती है हर एक की, और सबकी अलग अलग कॉन्शियंस भी होती है। तो फिर ये आपका सिद्धांत ये भी ठीक नहीं है। तब हमारे भारत के दार्शनिक पहुंचे, उन्होंने कहा देखो देखिए आप लोग ये जो बुद्धि से सोच रहे हैं ना, तर्क से, ये आपकी बुद्धि माइक है, इसकी गति नहीं है आनंद जगत में, ये तो दुख जगत वाली बुद्धि है, ये तो दुख वाली राय देगी सब, अज्ञान वाली। ये ज्ञान और आनंद ये तो भगवान के एरिया वाले सामान है, वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकती। इसलिए वेदों शास्त्रों के द्वारा निश्चय करना होगा आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। ये अपने सोचने से मिलता तो अनादिकाल से अब तक सबको मिल गया होता, या 10 अंधों के द्वारा कोई दृश्य पदार्थ का निर्णय करना होता तो कब का हो जाता। अटकल पच्चू जिसे कहते हैं लोग, ऐसे सिद्धांत संसार में बनते हैं अपनी बुद्धि से, वो सब गलत। वेद में जो ज्ञान है और वेद के द्वारा समर्थित जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा आनंद को हम समझ सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो शास्त्रों वेदों में हमने बहुत मंथन किया तो पता चला कि ये तमाम वाद, इनका विवाद निरर्थक है। बस दो वाद हैं, हम हैं वादी, हमारे अलावा दो वाद हैं, एक अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद, अथवा यूं कह दो एक भगवतवाद, एक मायावाद। अर्थात बस तीसरी कोई चीज नहीं, इसलिए तीसरा वाद है कहां, कैसे बोलते हैं आप, इसी के सब भेद हैं। नाम बदल दो। देखिए तीन प्रकार का आनंद होता है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं विस्तार नहीं कर सकूंगा, मैं अब दुकान बंद करने जा रहा हूं। एक आनंद, एक सुख होता है जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, एक होता है जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, और एक होता है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख जो हम लोग डेली लेते हैं, इंद्रियों का, विषयों का सुख,
संसार को देखकर सुख मिले, संसार को सुनकर क्या शब्द सुने कि सुख मिले, क्या खाए कि रसना को सुख मिले, ये सब इंद्रियों के सुख। इंद्रियां भी जड़, संसार भी जड़, ये जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। इससे ऊंचा सुख होता है सात्विक सुख। वो कैसा होता है? वो जड़ चेतन, अर्थात जड़ तो है मन और चेतन है आत्मा, मन और आत्मा का सुख, यानी समाधि का सुख, यानी ज्ञात आत्मज्ञानियों का सुख, जहां समाधि हो जाती है, संसार का विस्मरण, आत्मविस्मृति समाधि, मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10 वेद कह रहा है। तो ये हुआ जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। और असली सुख जो होता है वो होता है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, यानी दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त करना। ये वास्तविक एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इस उद्देश्य को पाने के लिए वेद कहता है उस ब्रह्म को, उस भगवान को प्राप्त करो तो ये आनंद चेतन चेतन के संयोग जन्य वाला मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा? इसके लिए कर्म, ज्ञान, योग, इन सब मार्गों पर विचार किया गया विस्तार पूर्वक, और बताया गया कि इन सब किसी मार्ग से वो चेतन चेतन संयोग जन्य सुख भगवदानंद कृष्णानंद रामानंद सगुण सविशेष साकार का प्रेमानंद नहीं मिल सकता। देखिए कर्म तो स्वर्ग तक ले जाने वाला है, वो तो किसी काम का नहीं। घोर मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे, ये वेद ही कह रहा। और ज्ञान में सात भूमिका होती हैं, सात अस्तर प्लस अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, सातवीं। लेकिन ये तृप्ति मन की होती है, आत्मा की नहीं। ये जो समाधि मिलती है ज्ञानियों को, योगियों को, ये अंतःकरण की उपाधि पर मिलती है। निरुपाधि समाधि तो मरने के बाद होती है। और फिर ये तो बड़ी दूर की बात है, पहले तो हम कर्म के ही अधिकारी नहीं है। और ज्ञान के अधिकारी तो और भी मुश्किल है, असंभव है। इसलिए संतों ने कहा था, इही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। ये सब कलयुग में नहीं चल सकता।
और अगर कोई कहीं अधिकारी पूर्व जन्म के संस्कार वाला मिल भी जाए तो कुछ दूर चलकर फिर गिरेगा, और अगर अंतिम क्लास में भी चला जाए तो आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा, शंकराचार्य ने मान लिया। आखिरी अवस्था में आत्मज्ञान हो जाने पर भी गिर जाएगा। ज्ञानम क्षरति, मनु जी महाराज ने भी कहा, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर कर्म बंधन में बंध जाते हैं। माया नहीं जा सकती, माया एक ऐसी पावर है भगवान की जो भगवान की भक्ति के बिना किसी भी मार्ग से किसी भी साधन से नहीं जा सकती। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, करोड़ कल्प कोई कर्म धर्म करे, ज्ञान करे, योग करे, तप करे, व्रत करे, और सब कुछ मिल जाएगा। ये सब क्यों कहा गया है? अरे भाई, ये तो हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि कल्प वृक्ष है, जिसको जो चाहिए मिलेगा। अरे अगर किसी को चाहिए कि हम हिंसा करके उसको मारना चाहते हैं, हाओ हाओ, तुमको तुम्हारे लिए भी मार गए हमारे यहां। ये बड़े बड़े राक्षस हुए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, तपस्या कर करके वरदान ले ले करके कितने राक्षस ब्राह्मणों की ऋषियों की हत्याएं कर दी। अरे और तो और, भगवान शंकर से एक राक्षस ने वर लिया कि हम जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने कहा जाओ दिया, तो उन्होंने कहा जरा आप बैठिए। तो वो पार्वती में आसक्त था, तो उसने बेवकूफ बनाया शंकर जी को कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शंकर जी को भस्म करो, बस भागे शंकर जी। त्रिनेत्र से संसार का संहार करने वाले, प्रलय करने वाले भी भागे, सब दुनिया में भागकर भगवान के पास गए। क्या बात है, तुम हाँफ रहे हो भाई? अरे मेरे पीछे लगा है एक राक्षस। क्यों? अरे हमने बर दे दिया कि जो कुछ मांग रहे हो जाओ मिल जाएगा, वो सिर पे हाथ रखने वाला, वो भस्म होने वाला, अब वो हमारे सिर पे हाथ रखने आया। उन्होंने कहा ओ अरे भोलेनाथ, वो भगवान एक सुंदर स्त्री बन गए, और वो खदेड़ने वाला जो राक्षस था उसके आगे आ गए। उसने देखा मोहित हो गया, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? गए वही है ना शंकर, उसके सिर पे हाथ रखना है। क्यों? और उसको भस्म करना है। अरे वो धतूरा मदूरा भांग खाने वाला, क्या उसकी बात पर तुमने विश्वास कर लिया? अरे वो ऐसे ही गप झोंक देता है, हमारी मानो तो अपने सिर पे हाथ रख के पहले देखो सही है। तो ने अपने सिर पे हाथ रखा जो तो भस्म हो गया। अरे उसके अंदर बैठ के उसको बेवकूफ बना दिया भगवान ने, वरना वो ऐसा बेवकूफ नहीं था कि अपने सिर पे हाथ धर देता। लेकिन हम कह रहे हैं
कि हमारे सनातन धर्म में नरक भी मिल सकता है, स्वर्ग भी मिल सकता है, सिद्धियां भी मिल सकती हैं, जो मांगो मिलेगा, और अंतिम परमानंद भी मिल सकता है। तो भक्ति के द्वारा ही मिलेगा और किसी मार्ग से नहीं मिलेगा, ये अंत में आपको बताया गया। और ये भी बताया गया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं, लेकिन ध्यान दो, तीन क्लास है अधिकारियों में।